अमित राय के निष्कासन से गरमाई निवाड़ी जिले की सियासत। संगठन ने कहा पार्टी विरोधी गतिविधि थी इसलिए हुआ निष्कासन। लोग बोले 33 करोड़ का घोटाला ना उजागर हो जाए इसलिए हुआ निष्कासन। संगठन ने कहा बीजेपी प्रत्याशियों के विरोध में किया था अमित राय ने काम। समर्थक बोले अब विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने का करेंगे काम। बुंदेलखंड की राजनीति में उभरते हुए युवा नेता अमित राय के भाजपा से निष्कासन से एक बार फिर निवाड़ी की सियासत गर्मा गई है। आरोप है कि अमित राय ने पार्टी विरोधी कार्य किए थे, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी का सपोर्ट नहीं किया था। अनुशासनहीनता के मामले में भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए उनका निष्कासन हो गया है। लेटर जारी करते हुए प्रदेश संगठन की तरफ से कहा गया है कि अमित राय ने जिला पंचायत निवाड़ी और नगर पंचायत ओरछा में पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों का विरोध किया था, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन किया था, जिसको लेकर जिलाध्यक्ष ने कई बार अमित राय को नोटिस भी थमाया, लेकिन इसके बावजूद भी अमित राय पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल बने रहे, जिसके बाद अब प्रदेश संगठन की तरफ से उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब संगठन की इस कार्यवाही को लेकर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि यह कार्यवाही आगामी चुनाव में अमित राय की दखल को रोकने के लिए की गई है। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार चुनाव जीतकर विधानसभा जाने वाले अनिल जैन से अमित राय के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में अमित राय ने जिला पंचायत की 2 वार्डों की सीट पर जनमत हासिल कर विजय हासिल की थी। निवाड़ी विधानसभा में जिला पंचायत के कुल 5 वार्ड लगते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आधी विधानसभा पर कब्जा कर चुके अमित राय आगामी विधानसभा चुनाव में निवाड़ी विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विधायक अनिल जैन के लिए खतरा बन सकते हैं। भाजपा से 6 साल के निष्कासन के बाद अमित राय के समर्थक इसे सीधे तौर पर स्थानीय विधायक का षड्यंत्र बता रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अमित राय के समर्थक 33 करोड़ के राशन घोटाले का भी जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ समर्थक सीधे तौर पर भाजपा को 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाने की भी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक अमित राय ने कुछ भी खुलकर नहीं बोला है।